इसी प्रकार से एक चौधरी साहब ने बालाजी महाराज की इतनी भक्ति करी कि बालाजी महाराज प्रकट हो गए और कहने लगे मैं भक्तियां मांगना चाहता है। इतनी जोर से बोलता है चौधरी साहब कर क्या बोले बालाजी महाराज कुछ कौन चाहे। बोले बावड़ा भक्त मांग ले, मुझे पाने के लिए तपस्वी सदियों सदियों तक तपस्या करते हैं लेकिन उनको दर्शन नहीं होते। आज मैं तो तेरे सामने खड़ा हूं क्योंकि भाव की भक्ति हो तो बालाजी महाराज के सदियों तक तपस्या करने की जरूरत नहीं है, मात्र सिंदूर चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। बोल सियापति रामचंद्र की जय हो। ए बहन जी जो कौन जाएगी थी। और बालाजी महाराज कहने लगे कि बाप क्या मांगना चाहता है। चौधरी साहब हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि बाबा अगर देना ही चाहते हो तो सुन ले। अल्लाह दिखा ब्रह्मा बाबा हनुमान की बालाजी महाराज ब्रह्मा बाबा हनुमान वो ऐसा वर तुम्हें दीजो धरु तिहारो धान की तरह कुछ नहीं चाहिए बस ऐसा वरदान दीजिए कि मैं आपका ध्यान धरूं। और कहने लगा होने लगी ना बात शुरू वो ऊपर हाथ करो जो बात कर रहे हैं उठाओ। ओहो इतना जना बात करना हो मतलब वही मजे निकाल रहे हो। मुकेश भाई देख ले कितना बात कर रहे हैं। अच्छा वो हाथ ऊपर उठाओ जो सो रहे हैं। बोल मुरली वाले बजरंग बली महाराज की नुका कौन सो रहा तो भी हाथ ऊपर नुका मुरली वाले बजरंग बली की तो भी हाथ ऊपर मतलब बजना तो कोई मतलब को नहीं। बोल बात करने वालों की तू क्यों बोले। देखो ध्यान लगाओ बाबा का चरणा में क्योंकि धन्ना भगत का नाम सबने सुना होगा। पूरी उम्र गुजार दी कन्हैया की भक्ति में लेकिन कभी दर्शन नहीं हुए लेकिन कर्मा बाई की सिर्फ और सिर्फ कुछ देर की भक्ति कन्हैया को बुला करके खिचड़ा खिला के था। ऐसी भक्ति थी भाव की कि भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियो कर आवेलो सोहन लाल लोहकार प्रभु धरा हरस हरस गुण गावेलो क्योंकि इसकी भाव की भक्ति थी। मात्र कुछ देर में भगवान ने दर्शन दे दिए थे लेकिन भाव कुछ नहीं है। यूं देखा कि कब आरती भर कद प्रसाद मिला अपने घर जाके सो कई तो नू करी है और कई नू कहियो की आके खड़े हो स्टेज पे थोड़ी देर और चेंजो बार बार को न्यू। बड़ी सौभाग्य की बात है मेरा भाग था ये कर्म थे कि आपके काम में आने का मौका मिला। बोलिए बजरंग बली महाराज की जय हो। इतने ध्यान में कहियो मैं बेटे के पूछ लू बोल मार मुकुंद बंसी वाले की सियापति रामचंद्र की जय। आइए चौधरी साहब के सामने बालाजी महाराज खड़े हो गए और कहने लगे भक्त मां क्या मांगना चाहता है। और कहने लगा हरियाणा का था रह करके बोल रहे रम्हारा बाबा हनुमान म्हारा बाबा हनुमान ऐसो बल तो माने दीजे थरु तिहारो धान साथ को नहीं गाऊंगा। मेरी माता है बहने ताली बजा के मैं नाचूंगा। उठाओ पूरे पूरे हाथ और सब गाओ मारा बाबा हनुमान है तने छोड़ाऊंगा झुंझुड़ की पीड़ा में। उठाओ पूरे पूरे हाथ और देखो मारा बाबा हनुमान देखो कोई भाण मेरी कोई माता मेरी परेशान हो रही हो तो बेशक मत बताइयो
काबू जोर जबरदस्ती कोन्या, लेकिन देखो मारो कर्म बना की मैं कर रहा हा, तो थम भी थारे साथ मारा साथ साथ थम सगड़ा की हाजिर लागे और बालाजी महाराज खुश हो जाओ। कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर आपका दिल चाहता है तो ताली बजाए और ना मत बजाइए। आइए मारा बाबा हनुमान, और कहला क्या थोड़ा ध्यान बाबा की तरफ लगाइए। बालाजी महाराज कहने लगा तथास्तु मिल जाएगा और बता क्या चाहिए। चौधरी साहब कहने लगे कि बाबा ओ बढ़िया सो एक खेत दी जो भरने दी जो काटी, बढ़िया सो एक खेत दी जो भरने दी जो काटी, वो सोफी का को खेत दी जो साके दी जो काटी, जो मांगेगो तो मिलेगो, क्योंकि जो मेहनत करेगो उन्हीं मिलेगो। लेकिन बाबा नूं पूछो कि क्या करना चाहे, तेरा हाथ करके बताओ, चाय पीते रह जाओगे कुछ नहीं जाना जाना। चलो जो चाय पी रहे वो तो रहने दो, जो नहीं चाय पी रहे बाबा ने बोलो चक्कर, है बाने तो हेली दी चोर
दी जो सेवा संता खतर चाटनी सुना थी जान पिसक कमाड़ कमाड़ कमाड़